टुडेज टॉपिक इज़ वेकेरियस लाइबिलिटी। वेकेरियस लाइबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज़ वेकेरियस लाइबिलिटी? अंडर वेकेरियस लाइबिलिटी अ पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय अनदर पर्सन इफ़ दैट पर्सन शेयर्स अ रिलेशन। रिलेशन क्या क्या होगा? मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होंगे, पार्टनर्स का रिलेशन होंगे। तो ये सारे में वेकेरियस लाइबिलिटी होता है कि किसी अगर किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया है और वो रॉन्गफुल है तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति लाइबल होगा, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे तब। अब आते हैं विकेरियस लाइबिलिटी के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यहाँ पे ये कहता है, जनरली अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट बट टॉट अ पर्सन मे बी लाइबल फॉर द एक्ट डन बाई अनदर। हमने टॉट में देखा था, टॉट में हम लोग ने पढ़ा था पहले भी कि वो लाइबल होते हैं रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के रॉन्गफुल एक्ट के लिए, ठीक है। जनरली हम लोगों ने टॉट में पढ़ा था कि अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कोई व्यक्ति ए है, इसने कोई रॉन्ग कॉमिट किया है तो ये लाइबल है उसके लिए। पर यहाँ पे विकेरियस लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता। ए कोई बंदा है, इसने अगर कोई एक्ट किया है और इसकी ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एक्ट किया है, मान लिया कि ए बी सी फर्म है, उसका मालिक डी है, तो डी इसके लिए लाइबल होगा क्योंकि यहाँ पे कहता है कि बट टॉवर्ड्स अ पर्सन मे बी लाइबल फॉर द एक्ट डन बाई एनी अदर, एक्ट डन बाई एनी अदर। तो ये विकेरियस क्या होता है? पर्सन इज लाइबल फॉर अनदर एक्ट इफ सर्टन रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश्ड। मैंने रिलेशनशिप की बात पहले किया था कि रिलेशनशिप की पहले मैंने बात की थी कि कौन कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, चाहे तो प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशन होगा, पार्टनर्स की रिलेशन होगी, या फिर मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन एग्जिस्ट होगा। तो ये तीनों रिलेशन होंगे तब मास्टर प्रिंसिपल पार्टनर्स लाइबल होंगे इस केस में। तो ये पर्सन इज लाइबल फॉर अनदर एक्ट के लिए तभी लाइबल होगा जब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होंगे। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होगा, पार्टनर्स का रिलेशन होगा, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होगा, तब होगा ये। आगे आते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। विकेरियस लाइबिलिटी इट इज बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल क्वाइट फेसिट पर एलम फेसिट पर से, विच मीन्स दैट द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। एक्ट ऑफ एन एजेंट, एजेंट का जो एक्ट है वो प्रिंसिपल का एक्ट माना जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल जनरली डज नॉट एक्सप्रेसली आस्क हिज एजेंट टू डू सो द रॉन्गफुल एक्ट, बट वेन द एजेंट्स एक्ट इन ऑर्डिनरली कोर्स ऑफ हिम परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन एजेंट द प्रिंसिपल बिकम्स लाइबल फॉर द सेम। प्रिंसिपल बिकम लाइबल फॉर द सेम। अगर ये जो एक्ट एजेंट ने किया है ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर किया है, क्योंकि ये एजेंट है। अगर ये कोई भी कार्य करता है जो कि गलत हो तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, उसके लिए मास्टर लाइबल होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन की ही बात करेंगे हम। आगे आते हैं केस लॉ, इसमें क्या है? लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड को। देर वॉज अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर विच यूज टू कंसल्ट क्लाइंट्स इन प्रॉपर्टी मैटर्स। द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द कंपनी अटेंडेड अ लेडी एंड एडवाइस हर टू सेल द टू कॉटेज एंड इन्वेस्ट द मनी इन अ बेटर वे। सी वॉज आस्क्ड टू साइन टू डॉक्यूमेंट्स विच वर सपोज टू बी सेल डीड बट इन फैक्ट दे वर गिफ्ट डीड्स इन द नेम ऑफ द मैनेजिंग क्लर्क हिमसेल्फ। द मैन डिस्पोज्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मिस अप्रोप्रिएटेड द प्रोसीड्स he had acted solely for his personal benefit and without the knowledge of the principal. यहाँ पे basically होता क्या है कि एक managing clerk होता है
सोलिसिटर क्या होता है? सोलिसिटर मतलब कहने का मतलब है कि एक जो कंसल्टेंट होता है या एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि लीगल एडवाइस देते हैं फॉर बाइंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि एक सोलिसिटर का फर्म होता है जो कि कंसल्ट करते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर। सोलिसिटर का फर्म होता है, सोलिसिटर का फॉर्म होता है जो कंसल्ट करते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर। होता क्या है कि इसमें मैनेजिंग क्लर्क जो होता है, मैनेजिंग क्लर्क कंपनी का, वो अटेंड, क्योंकि ये तो इसके अंडर में काम करता है, वो तो एजेंट है इसका। मैनेजिंग क्लर्क एजेंट है, मैनेजिंग क्लर्क एजेंट है इसका और सोलिसिटर की फर्म है। तो ये क्या करता है, कॉटेज के सेल के लिए एक लेडी को पकड़ता है और अटेंडेड अ लेडी एंड एडवाइस हर टू सेल द टू कॉटेज सेल करने के लिए उसे एडवाइस करता है इन्वेस्ट मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। नो बेटर वे, सी वाज आस्क्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट। अब क्या करवाता है, ये जो मैनेजिंग क्लर्क होता है वो डॉक्यूमेंट साइन करवाता है और कहता है कि ये सेल डीड है और इस पे आप साइन कर दो। पर द मैन क्या करता है, वो सेल डीड नहीं होता है क्योंकि वो अपने नाम का ही गिफ्ट करवा लेता है साइन उसके जगह पे। उस प्रॉपर्टी डीड बोलकर वो अपने नाम पे गिफ्ट करवा लेता है और वो डीड डॉक्यूमेंट साइन करवा देता है। वो मिस अप्रोप्रिएट करता है, उसको मिस अप्रोप्रिएट करता है। सो इट वॉज हेल्ड सिंस द एजेंट वॉज, यहाँ पे ही कहा गया कि सिंस द एजेंट वॉज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज अपेरेंट ऑथोरिटी, सो द प्रिंसिपल वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द फ्रॉड। प्रिंसिपल लाइबल हुआ फ्रॉड के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। एक और केस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्यामा देवी। इसमें क्या होता है, द प्लेंटिव हस्बैंड गेव सम अमाउंट ऑफ चेक टू हिज फ्रेंड हु वॉज अ एम्प्लॉय इन द डिफेंडेंट्स बैंक फॉर बींग डिपोजिटेड इन द प्लेंटिव्स अकाउंट। नो प्रॉपर रिसिप्ट फॉर द डिपोजिट्स वर ऑब्टेन, द बैंक एम्प्लॉय मिस अप्रोप्रिएटेड द अमाउंट। अब होता क्या है, प्लेंटिव हस्बैंड गेव सम अमाउंट टू द चेक टू हिज फ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड होता है कौन है, जिसको वो चेक देते हैं, फ्रेंड होता है ये इम्प्लॉय होता है पेरेंट्स के बैंक में, डिफेंडेंट के बैंक में इम्प्लॉय होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, ये बैंक का कोई ऑथराइज्ड एम्प्लॉय नहीं होता है जो बैंक के लिए काम करता है। ये बस चेक को ले जाता है और वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उसको देता है, पर ये बैंक का कोई नहीं होता। इसमें हुआ क्या, इट वॉज हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट दैट द एम्प्लॉय वेन द कमिटेड द फ्रॉड वॉज नॉट एक्टिंग इन द स्कोप ऑफ द बैंक एम्प्लॉय बट इन द प्राइवेट कैपेसिटी एज द डिपोजिटर फ्रेंड्स, देयर फोर द डिफेंडेंट बैंक कुड नॉट बी मेड लाइबल फॉर द सेम। जाहिर सी बात है, बैंक के इसके लिए लाइबल नहीं होगा, बैंक लाइबल इसके लिए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बैंक लाइबल होगा, क्योंकि ये जो फ्रेंड फ्रेंड जो था वो डिपोजिटर का फ्रेंड था, डिपोजिटर बैंक वाला था, पर डिपोजिटर का फ्रेंड थोड़ी ना, ये तो प्राइवेट है, ये तो डिपोजिटर ने हायर कर रखा है। अब प्लेंटिव के जो हस्बैंड थे, हस्बैंड ने इसको चेक जमा करने के लिए दिया फ्रेंड को, फ्रेंड चेक ले जाकर नहीं दिया, तभी तो इसके पास रिसिप्ट नहीं थी प्रॉपर। तो इसके लिए कहा गया कि बैंक इसके लिए कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द सेम। अब आगे आते हैं, आगे एक और केस इसमें है, त्रिलोक सिंह वर्सेज कैलाश भारती। त्रिलोक सिंह वर्सेज कैलाश भारती, वेल ऑनर ऑफ द मोटरसाइकिल वॉज आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे केस में एक है, ऑनर ऑफ द मोटरसाइकिल वॉज आउटसाइड द कंट्री, हिज यंगर ब्रदर टुक द मोटरसाइकिल विदाउट हिज नॉलेज और परमिशन एंड कॉज द एक्सीडेंट। सो इट वॉज हेल्ड दैट यंगर ब्रदर कुड नॉट बी डीम्ड टू बी एजेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द लेटर कुड नॉट बी विकेरियसली लाइबल फॉर द एक्सीडेंट। विकेरियसली लाइबल नहीं ठहराया गया एक्सीडेंट के लिए, फॉर द एक्सीडेंट एक्सीडेंट के लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे एक रिलेशन पार्टनर्स का रिलेशन बताया गया कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स पार्टनर मेकर्स ऑन पार्टनर इज लाइबल टू द ऑनर। ओके, ए बी सी कोई पार्टनर है, हर एक पार्टनर की गलती के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है। अगर सी पार्टनर ने किसी चीज में नुकसान किया तो ए बी सी जितने जिन्होंने ये पार्टनरशिप फर्म बनाया है तो ये सारे जिम्मेदार होंगे इसके लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर जो एग्जिस्ट करता है, ये भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जहां पे एक की गलती की वजह से दूसरे को भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। सो मास्टर एंड सर्वेंट के केस में भी ऐसा होता है, ये प्रोमिनेंट रिलेशनशिप है मास्टर एंड सर्वेंट इन अ विकेरियस लाइबिलिटी, वेयर इफ अ सर्वेंट डज अ रॉन्गफुल एक्ट
or omission in the course of his employment, wrongful act or omission in the course of his employment, the master is liable for the servant is also liable. Okay, master is liable for it, the servant is also liable. See here, the wrongful act of the servant is deemed to be the act of the master as well. सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए, सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए मास्टर लाइबल होगा. कब कब लाइबल होगा यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे बताया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम रिस्पोंडेंट सुपीरियर विच मीन्स लेट द प्रिंसिपल वी लाइबल एंड पुट द मास्टर इन द सेम पोजिशन एज इफ ही हैड डन द एक्ट himself. It also delivers validity from the maxim quid fecit per illum fecit posse, which means he who does an act through another is deemed to be the law to do it himself. जिसने act किया है ये मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा deemed होगा कि वो act master उसके लिए liable होगा, वो act को commit किया है. For the liability of the master to arise the following two essentials are to be proved. फर्स्ट टॉट वॉज कमिटेड बाय द सर्वेंट. देखो ये तभी होगा, पहला जब टॉट सर्वेंट के द्वारा कमिट किया जाएगा. दूसरा द सर्वेंट कमिटेड द टॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये बहुत जरूरी बात है, सर्वेंट ने किया है पर ये सर्वेंट ने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया हो, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया हो तब उसके लिए लाइबल होगा. आगे आते हैं नोट में क्या लिखा है यहाँ पे कि इन जनरल रूल द मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय द सर्वेंट बट द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इम्पोज. ठीक है, यहाँ पे क्या मास्टर तभी लाइबल होगा, मास्टर तभी लाइबल होगा जब टॉट कमिटेड बाय द सर्वेंट एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द, अगर उसके सर्वेंट ने किया है तब लाइबल होगा, ना कि कोई कमिट किया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई रॉन्ग किया है तो उसके लिए मास्टर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो अलग चीज़ हो गया, उसकी बात अलग होती है. जैसे प्रिंसिपल और एजेंट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए लाइबल. जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था कि बैंक में जो उसका डिपॉजिटर का जो फ्रेंड है उसने कैश नहीं डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिटर का फ्रेंड था वो बैंक का कोई मालिक नहीं था, बैंक का कोई एम्प्लॉय नहीं था, सॉरी, तो बैंक का एम्प्लॉय नहीं था तो वो लाइबल नहीं होगा उसके लिए. तो यहाँ पे ही कहा गया कि एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. यह ध्यान में रखना कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए और टॉट कमिटेड होना चाहिए सर्वेंट के द्वारा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए. आगे आते हैं, इसमें केस लॉ है देवेंद्र सिंह वर्सेज मंगल सिंह. इन दिस केस देवेंद्र सिंह इंटरेस्टेड हिज ट्रक फॉर द रिपेयर्स टू अ वर्कशॉप व्हाइल द ट्रक वाज बीइंग ड्राइवन बाय द ओनर ऑफ द वर्कशॉप. देयर वाज एन एक्सीडेंट व्हिच रिजल्टेड इंजरीज टू अ साइक्लिस्ट मंगल सिंह इन एन एक्शन बाय द इंजर्ड साइक्लिस्ट अगेंस्ट द ओनर ऑफ द ट्रक. इट वाज हेल्ड दैट द ओनर ऑफ द वर्कशॉप वाज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट द सर्वेंट of the owner of the truck and therefore the owner of the truck could not be made vicariously liable for the negligence of the. जाहिर सी बात है कि देवेंद्र सिंह इंटरेस्टेड ट्रक फॉर द रिपेयर्स, देवेंद्र सिंह होते हैं जिन्होंने अपने ट्रक को रिपेयरिंग के लिए दिया वेयर वर्कशॉप में. अब वर्कशॉप का कोई बंदा है वो उस ट्रक को रिपेयर कर रहा है और उस ट्रक को रिपेयर करते हुए वो ट्रक को आगे पीछे करता है जिससे किसी की एक्सीडेंट हो जाती है. ठीक है, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके लिए लाइबल है वो. ये तो अब उन्होंने ट्रक को जो दिया है, अब इसमें मंगल सिंह की एक्सीडेंट हो जाती है तो इन एन एक्शन द इंजर्ड साइक्लिस्ट अगेंस्ट द ओनर ऑफ द ट्रक, इसने सुप्रीम कोर्ट वर्कशॉप होगा तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट अ सर्वेंट. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो तो वर्कशॉप का है. द ओनर ऑफ द ट्रक कुड नॉट बी मेड विकेरियस लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द ओनर ऑफ द वर्कशॉप. ठीक है, ऑनर ऑफ द वर्कशॉप लाइबल होगा उसके लिए, उसको ठहराया जा सकता है पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए ओनर ऑफ द वर्कशॉप को लाइबल ठहराया जाएगा, पर मास्टर को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा इसके लिए। तो आगे आते हैं केस, केस ऑफ लेंडिंग सर्वेंट टू अनदर पर्सन। हाँ, सपोज इट व्हेन ए लेंड्स हिज सर्वेंट एक्स टू बी एंड एक्स कमिट्स अ टॉर्ट अगेंस्ट सी, और एक्स क्या करता है, सी के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट करता है सी के अगेंस्ट। द क्वेश्चन हु इज टू बी कंसीडर द मास्टर, ए और बी। यहां पे यही हो गया कि ए ने लेंड्स किया सर्वेंट एक्स टू बी, ठीक है, एक्स टू बी, एक्स टॉट कमिट करता है किसके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट। तो इसके लिए ए लाइबल होगा या फिर बी लाइबल होगा, यहां पे ये कहा जा रहा है, ठीक है, ए लाइबल होगा या बी लाइबल होगा, क्योंकि मास्टर जो होगा वो लाइबल होगा। तो कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज द बोरोड सर्वेंट रूल। बोरोड सर्वेंट रूल में होता है कि बोरोड सर्वेंट रूल इज अ लीगल डॉक्ट्राइन इंडिकेटिंग दैट एन एम्प्लॉयर मे बी हेड लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ द टेम्पररी एम्प्लॉय। हो सकता है यहाँ पे एक्स टेम्पररी एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो दिया है क्लू, द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन अ वेरियस कंसिडरेशन, द मेन कंसिडरेशन बींग एज हु ऑफ द टू मास्टर हैज ऑथोरिटी टू टेल द सर्वेंट नॉट ओनली व्हाट इज टू बी डन बाय हिम एंड what I have said earlier that what is the borrowed servant rule. So borrows under the borrowed servant rule is a legal doctrine indicating that an employer may be held liable for the action of a temporary employee. अगर यहाँ पे B अगर temporary, X अगर temporary employee है, तो अगर B master है तो B इसके लिए liable होगा। अगर A master है इन लोग दोनों का, तो ए लाइबल टू, ऑथोरिटी किसके पास है बेसिकली वो देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं, द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये कह रहा, अ मास्टर लाइक अ प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एवरी टॉट विच ही एक्चुअली ऑथराइजेज, द लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द एक्ट विच ही एक्सप्रेसली ऑथराइज टू बी डन, बट ही इज लाइबल फॉर सच टॉट ऑल्सो विच आर कमिटेड by servant the course of employment if it is either, देखो यहाँ पे, a wrongful act authorized by the master or unauthorized mode of doing some act authorized by the matter, so master can be made liable as much for authorized act he was authorized, ठीक है। course of employment में अगर कोई act हुआ, यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना कि act हमेशा course ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। एक सर्वेंट की अगर बात करें, व्हेन अ सर्वेंट हैविंग अ लॉफुल अथॉरिटी टू डू सम एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर मेक्स एन इनॉर्मस और एक्सेसिव यूज ऑफ द अथॉरिटी कॉजिंग लॉस ऑफ द प्लेंटिफ, द मास्टर विल बी लाइबल फॉर द सेम। अ सर्वेंट हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर, स्पेलिंग मिस्टेक होगी हुई। If the servant in an attempt to perform such duty is excessive force, the act will fall in the course of the employment. समझे, ये course of employment में आ जाएगा। अगर negligence of servant आया तो, if a servant is not a careful in the performance of the duties and his conduct causes any loss to the third party, the master would be liable for the same sometimes. A servant may do an act while performing the duties assigned to him. कोई नुकसान हो जाता है, थर्ड पार्टी का कोई नुकसान होता है, उसके लिए समटाइम मास्टर लाइबल होता है नेग्लिजेंस के केस में। पर ये डिपेंड करता है कि केस नेचर ऑफ केस कैसा है। तो नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट अगर होता है तो कहीं ना कहीं मास्टर उसके लिए लाइबल होता है, पर नेचर ऑफ केस देखा जाता है, क्या नेग्लिजेंस किस वजह से हुई है, उसकी ग्राउंड क्या है, तो वो नेचर ऑफ केस पर डिपेंड करता है। सो एक्ट आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, एक्ट आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कई बार ऐसा केस आ जाता है कि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, जैसे कि व्हेन अ सर्वेंट डज एनी एक्ट विच इज नॉट इन द कोर्स ऑफ मास्टर्स बिजनेस, द सेम इज डीम्ड टू बी आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड एक्ट मे बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन दो दैट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द वर्कमैन। ये एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ए अ वर्कमैन driving a little away from the place of his work for a midday meal,
But if the certain workmen who are permitted to use their master's vehicle for having a refreshment, याद रखना मैं आगे बताऊंगा, decided to go for the tea to a cafe at a distance of the 7 miles, and on their way back, due to the negligence of one of them, another workman was killed. The negligent act of the workman cannot be considered to be within the course of employment and then master. अभी मैंने बताया था आपको कि negligent act के लिए liable होता है master, पर यहाँ पे केस बिल्कुल अलग है. यहाँ पे केस course of employment के time में नहीं है, क्योंकि at the certain time where the workman is permitted to use their master vehicles for having refreshment purpose, to decide to go for the tea or coffee. So this is for the refreshment purpose. So this is not, this will not fall under the course of employment. So master is not liable in this case. The negligence of the workman while driving the car, he has committed the wrong, imposed on that person only who has committed the wrong, who is the workman. Okay, master is not liable in this case. Come to the next, vicarious liability of the state. कई बार vicarious liability of the state के बारे में पूछ लिया जाता है. Definition पे आते हैं पहले. Unlike England, we do not have any statutory provision mentioning the liability of the state in India under Article 300. Under Article 300 of the Constitution of India, States Act. Article 300 पढ़ लेना ध्यान से. So the government of India may sue and be sued by the name of the Union of India, and government of the state may sue and be sued by the name of the state, and may subject to any provision which may be made by act or a parliament or the legislature of such a state, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the domination of India and the corresponding provinces, corresponding Indian states might have sued or been sued if the constitution had not been enacted. यहाँ पे है कि देखो, doctrine of sovereign immunity apply नहीं होता. doctrine of sovereign immunity अलग चीज़ है. पहले इस पे बात करते हैं कि अगर according to article 300 of the constitution, the government of India may sue and sued by the name of the Union of India and the government of state similarly. Okay, सेम वैसे ही होगा. यहाँ पे अगर गवर्नमेंट रॉन्ग करती है तो गवर्नमेंट उसके लिए लाइबल होगी. अगर यहाँ पे केस आया था, ये केस को मैं आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ, वैसे केस सामने आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, पर एक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावर्ती का केस था. इन दिस केस अ गवर्नमेंट जीप कार वाइल विंग टेकन फ्रॉम द वर्कशॉप आफ्टर रिपेयर्स टू द कलेक्टर्स बंगलो फॉर द कलेक्टर्स यूज caused an accident due to recklessness and negligence of the driver, resulting in death of the pedestrian. The widow of the pedestrian brings an action against the state government. The issue arose regarding the extent of the vicarious liability of the state government in the tortious act of the employee acting in the course of the employment. The court observed that general rule that the king can do no wrong has no more universal application, and its position has been changed even in England after the some proceedings or act. So the court observed that the functions of the welfare state are not confined only to maintaining law and order, but extend to engaging in all activities including industry, public transport or state trading, etc. So it cannot be justified, it could not be justified in principle or in public interest not to hold the state liable vicariously for the tortious act. Official ki agar kisi bhi government official ki vehicle ho agar wo accident kar deta hai to uske liye liable thehraya jayega jo bhi hua, kyunki doctrine of sovereign immunity ka agar baat kare yahan pe to doctrine of sovereign immunity mein kaha gaya, as a regard to immunity from the tortious liability an important issue that has not to be considered. So related to the position of the government, considerable case law and academic literature have gathered around to this topic. In fact, it is the area where the constitutional history and constitutional administrative law and doctrine of sovereign immunity, that is a state can that a state
कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ जस्ट बिकॉज इट इज सॉवरेन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी कभी अप्लाई नहीं हो, सॉवरेन इम्यूनिटी कभी अप्लाई नहीं होता है अब, क्योंकि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावर्ती में क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वहाँ पे पेडेस्ट्रियन में डेथ हो जाती है बाय द नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर की नेग्लिजेंस से, तो इसमें कहा है कि नहीं, अगर ड्राइवर अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल की ड्राइवर है उसकी गाड़ी जा रही है तो अगर उसने एक्सीडेंट किया है तो उसके लिए लाइबल ठहराया जाएगा। और अब ये प्रिंसिपल नो मोर अप्लाई होगा जो कि द किंग डू नो रॉन्ग और डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 की बात करें, आर्टिकल 300 में ये कहा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एंड कैन बी सूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड सिमिलरली टू द स्टेट। ओके, तो आर्टिकल 13 में ये इम्यूनिटी नहीं है डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, क्योंकि ये पुराने जमानों में हुआ करता था कि सॉवरेन इम्यूनिटी दिया जाता था किंग को, अब नहीं है। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई